हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आरती और स्वागत है आपका मेरे चैनल आरती डायरी में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। और जैसा कि आपको पता है, फ्राइडे को रिजल्ट आया था। अब आज फ्राइडे है तो 1 वीक तो बीत चुका है रिजल्ट आने पे। और किसी भी चीज़ को स्वीकार करने के लिए या फिर मूव ऑन करने के लिए 1 वीक काफ़ी होते हैं, खासकर एक एस्पिरेंट के लिए, क्योंकि समय बहुत कीमती है उसका। अगर आप दिन भर इसी में पड़ जाएंगे, मैं भी इंक्लूडिंग मी, कि हाँ उसको दुख मनाते रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो अब आगे क्या करें कि क्या ना करें, क्योंकि मेंस तो देना नहीं है। पहले तो ऐसा था कि जून में मेंस देना है, तो एक टाइमलाइन था कि जून तक मेंस पढ़ना, उसके बाद जो भी वन डे एग्ज़ाम आएगा उसको देखेंगे। बट अभी तो ऐसा कुछ है नहीं और हमारे पास कोई एग्ज़ाम डेट भी नहीं है, ना ही कोई एग्ज़ाम कैलेंडर है जिसको देख के हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकें। तो करें तो करें, तो अब तो कुछ ना कुछ स्टेप लेना ही है। क्या करें क्या नहीं करें, ऐसा नहीं कि अब इसी को लेकर बैठ सकते हैं कि प्रीलिम्स निकला। मन में आता है अभी भी मेंस का प्रिपरेशन करते लोगों को देखते या फिर कोई भी टेस्ट सीरीज या यूट्यूब वीडियो ही पॉपअप हो जाता है सामने में, तो मन में आता ही है कि अरे प्रीलिम्स नहीं निकला, ठीक है, लेकिन अब कुछ तो करना पड़ेगा ना। और दूसरा ये है कि अभी कोई एग्ज़ाम डेट भी नहीं है, कोई कैलेंडर आने वाला था वो भी नहीं आया है, तो अभी हमारे दिमाग में आता ही नहीं हम क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। ACF का भी ऐसा है कि अभी कोई डेट डिसाइड नहीं है, तो कैसे प्रिपरेशन करें, मोटिवेशन नहीं आ रहा है अंदर। कोई भी एग्ज़ाम डेट नहीं है, कोई भी वन डे एग्ज़ाम नहीं है, अब तो मेंस भी नहीं देना है, तो कोई डेडलाइन ना होने की वजह से हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक चीज़ मैंने रियलाइज़ की है कि कुछ भी हो, प्रीलिम्स और मेंस और टाइम पे होते हैं। लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था, वन डे एग्ज़ाम को प्रिपरेशन करेंगे, अभी तो प्री नहीं है मेंस नहीं है बोल के पूरा साल निकल गया और एट लास्ट हमको दोबारा प्री ही देना पड़ा। तो एक चीज़ तो है ना फाइनल कि हाँ फरवरी में प्री होना है। मैंने एक चीज़ देखी कि पूरा ईयर ना आप वन डे एग्ज़ाम का वेट करते रहेंगे और दोबारा से प्रीलिम्स आ जाएगा और फिर हमको लगता है अरे यार इसी का ही प्रिपरेशन कर लेते तो कम से कम बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाता। तो कोई एग्ज़ाम आए ना आए, प्रीलिम्स और मेंस तो टाइम से होने ही हैं, तो क्यों ना हम उसको अच्छे से करें। और उसको करेंगे तो फिर दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी भी हो जाती है, और जैसे ही कोई एग्ज़ाम की डेट आएगी ना तो हम उसमें कर देंगे, अपना स्विच कर लेंगे अपना शेड्यूल, जो भी हो अगला प्रीलिम्स और मेंस तो टाइम पे होना है, ठीक है। और फिर दोबारा ऐसा हो जाएगा कि प्रीलिम्स के टाइम में हमारा रिवीजन नहीं हुआ, हम पढ़ नहीं पाए। सोचो ना, हम 4-5 साल कितने सालों से प्रिपरेशन करते रहते हैं और वही सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए प्रीलिम्स के टाइम हम बहुत बहुत ज़्यादा बर्डन, बहुत ज़्यादा प्रेशर फील करते हैं। क्यों? क्योंकि हम साल भर पढ़ाई से दूर रहते हैं। तो इस बार हमको ऐसा नहीं करना है। तो क्या करें क्या नहीं करें, इसका सलूशन मैं लेके आई हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि इस रिसेशन वाले पीरियड में क्या करना चाहिए। जैसा कि मैंने देखा है ना, मेरे साथ जो होता था ये मेंस के टाइम में, मेरे साथ क्या होता था मेंस के टाइम में, कुछ सब्जेक्ट्स तो बहुत अच्छे से तैयार हो जाते हैं प्रीलिम्स के कारण, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसका बहुत सारा सोर्स होता है हमारे पास, ठीक है, पढ़ते हैं और लास्ट मिनट रिवीजन नहीं कर पाते हैं। प्रीलिम्स पढ़ना, वन डे एग्ज़ाम पढ़ना अलग है और मेंस पढ़ना अलग है, क्योंकि वन डे एग्ज़ाम में हमको सिर्फ ऐसा लगता है कि कुछ पढ़ते हैं तो ठीक है 4 ऑप्शन देख के याद आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जब मेंस पढ़ना होता है तो हर एक टॉपिक का हमको 8 से 10 पॉइंट पता होना चाहिए, तभी वहाँ पेन चलता है, वरना पेन नहीं चलेगा। अब प्रीलिम्स वाला पढ़ाई हम अगर मेंस में लेके जाएंगे ना तो क्या लिखें ऐसा लगता है, और एक ही पॉइंट को खींचते रहते हैं तो फिर नंबर नहीं मिलता उसमें। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कई क्वेश्चन को लेके, इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी ये सब जो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो मेरे उतने मतलब उतने प्रिपेयर नहीं हैं। आप में से बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि अभी से हम मेंस की तैयारी क्यों करें, क्योंकि लास्ट ईयर से तो कर ही रहे थे, प्री निकला नहीं, मेंस दे नहीं पाए और पढ़ाई भी वेस्ट हो जाएगी। तो पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं होती है, कुछ नहीं तो एक जो मन में होता है ना कि हम तैयारी नहीं कर पाए ढंग से। मेरे साथ तो हर बार मेंस में होता है कि मैं मेंस की तैयारी क्यों नहीं की लास्ट ईयर। पहले तो ऐसा होता था बहुत सारे वन डे एग्ज़ाम होते थे तो हम उसमें फोकस करने लगते थे, तो मेंस की प्रिपरेशन कहीं ना कहीं छूट जाती थी, और जो प्री और मेंस का ड्यूरेशन है ना उसी बीच में ही हम मेंस की प्रिपरेशन करते थे। तो लगता था कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको हम पहले से प्रिपेयर करके रखे हैं तो हमको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो आप लोग उस गलती से बचिए। आप में से बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि वन डे एग्ज़ाम अचानक आएगा, 1 महीने का ही टाइम रहेगा, फिर उसका प्रिपरेशन नहीं हो पाएगा, हम मेंस की प्रिपरेशन क्यों करें। तो वन डे एग्ज़ाम या मेंस, इन दोनों के बीच का मैं एक रास्ता लेकर आई हूँ। जैसे कि जो भी मेंस दिए होंगे या जिस मैं भी दी हूँ, सब लोग को एक चीज़ रहता होगा कि मेंस के टाइम में ना सोर्स बहुत रहते हैं, प्रीलिम्स में कैसा है कि बहुत सारे सोर्स हैं ना, तो आप सबको एक बार रीड कर देंगे तो ऐसा रहता है दिमाग में कि हाँ 4 ऑप्शन देखेंगे तो याद आ जाएगा। लेकिन अगर मेंस के टाइम में आप बहुत सारे सोर्स पढ़ रहे हैं तो उसका ना एक, जैसे कोई भी टॉपिक का ना एक समअप नहीं हो पाता है कि हाँ इसको कैसे लिखना है। तो आप ये कर सकते हैं कि जो भी सब्जेक्ट्स आपको दिक्कत कर रहे हैं ना, उसका आप नोट्स तैयार कर सकते हैं, 1 या 2 या 3 बुक प्रीफर कीजिए, उसको लेके बहुत बढ़िया से नोट्स तैयार कीजिए मेंस के लिए। मेंस का नोट्स अभी बना कर रखेंगे ना और उसको ही बार बार रिवाइज करके फिर आंसर राइटिंग करेंगे तो आपका आंसर राइटिंग बहुत अच्छा होगा। जब आप आंसर राइटिंग करने बैठते हैं ना तो आपका रिवीजन सही से नहीं हो पाता, किस बुक से पढ़े किस बुक से नहीं पढ़े।
जैसे कि मेरे साथ ना इकोनॉमिक्स और इंडियन ज्योग्राफी का ऐसा होता है कि मेरे पास दो तीन सोर्स हैं और मैं उसका नोट्स नहीं बनाई हूँ, तो मेरे को लगता है कि पिक्टोग्राफी मेमोरी होती है ना जो हर बुक से आता है और मैं एक जगह उसको इकट्ठा नहीं कर पाती हूँ, तो मैंने यही सोचा कि मैं भी इसके नोट्स प्रिपेयर कर लूँगी। बाकी जिन सब्जेक्ट्स के मैंने नोट्स बनाए थे ना लॉकडाउन के टाइम में, वो सब्जेक्ट मेरे बहुत अच्छे हो गए। जैसे पेपर सिक्स में मुझे डर नहीं लगता, पेपर सेवन में डर नहीं लगता, हालांकि पेपर सेवन में नंबर मिलते नहीं हैं बट उसमें मुझे डर नहीं लगता, पेपर फोर में डर नहीं लगता, लेकिन पेपर फाइव में लगता है। इन CGGS तो CG ज्योग्राफी तो ठीक है, लेकिन बाकी इंडियन जो इकोनॉमिक्स इंडियन ज्योग्राफी इसमें थोड़ा सा मुझे लगता है कि मैं क्या पढ़ूंगी कैसे पढ़ूँ, वो इसलिए क्योंकि मुझे मेरे पास एक सोर्स नहीं है, तो मैंने सोचा है कि मैं इसका अच्छा सोर्स बनाऊंगी, नोट्स बनाऊंगी और मैं आपको दिखाती हूँ। आप लोग ना हर सब्जेक्ट का ऐसे एक A4 साइज का पेपर पैडिंग करा के रख लीजिए और हर सब्जेक्ट का ना सिलेबस निकाल लीजिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग एक सिलेबस का 8 से 10 पॉइंट नोट्स बना दीजिए, ठीक है। इसके लिए ना आप दो बुक प्रीफर कीजिए, कम से कम दो बुक तो प्रीफर करिए ही कि दो बुक रहे साथ में आप देख के नोट्स बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा तीन, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अच्छी से अच्छी तीन बुक लाइए उसका देख के नोट्स बनाइए, ठीक है। और याद करने के जैसे याद करेंगे तो मन नहीं लगता है कि अभी तो मेंस है नहीं हम क्यों पढ़ें, लेकिन जब आप नोट्स बनाएंगे ना लिखने का काम करेंगे तो आप कुछ नहीं होगा। और दूसरा चीज़ वन डे एग्जाम के जो चीज़ें हैं ना, CGGS हो गया, लैंग्वेज हो गया, मैथ्स हो गया, इसको करते रहिए, और जब भी नोटिफिकेशन आएगा कोई भी एग्ज़ाम आएगा तो फिर इस चीज़ को आप पॉज कर दीजिएगा नोट्स मेकिंग को और फिर अपना वन डे एग्ज़ाम में करिएगा। और दूसरा चीज़ साइकोलॉजी ये भी है कि आप ना जब तक टेबल में बैठेंगे नहीं पढ़ने के लिए आपका पढ़ाई नहीं होगा। जब भी आप कुछ भी पढ़ने लगे, चाहे आप लैंग्वेज की बुक ही लेके पढ़ने लगे, अब पढ़ते जाएंगे ना, जब आप पढ़ते रहेंगे तो साइड बाई साइड ना एक चलते रहेगा कि हाँ इसको मैं ऐसे पढ़ लूँगा, इस पर से मैं पढ़ लूँगा, आगे की प्लानिंग अपने आप होती जाएगी। मतलब बोलते हैं ना आपको पूरा रास्ता देखने की जरूरत नहीं है, बस एक कदम उठाइए आगे आपको समझ में आएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अभी की सिचुएशन भी वैसे ही है, बस आप टेबल में बैठ जाइए पढ़ने के लिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपको करना क्या है क्या नहीं करना है, ठीक है। अगर मेंस का नोट्स कैसे बनाना है इसके ऊपर आपको कोई वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।